6:20 इन द क्लॉक और अभी सैटरडे मॉर्निंग है आज। पता नहीं इतने टाइम से कोशिश कर रहा था मैं सुबह 6 बजे उठ जाओ बट नहीं, 7:30 8 के पहले आँख ही नहीं खुलता था। आज आँख खुल गया बट मेरे चेहरे की हालत देखो क्या है, सर्दी से परेशान हो थोड़ा। एंड लेट्स बिगिन आवर डे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स नाउ 7:30 एंड यू वोंट बिलीव, मैं जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया 6:20 से तब से इधर ही ऑन द स्पॉट सेम स्पॉट हिला तक नहीं हो मोबाइल में, बस टिक टिक। लेजी मैन, अभी जाता हूँ उठता हूँ फ्रेश होता हूँ एंड एज ऑलवेज पनवेल निकलना है, चकना नाश्ता रेडी हो जाएगा। लेट मी गो एंड सी क्या बना है नाश्ते में। इट्स ब्रेड ऑमलेट। ये खाली क्यों है? अच्छा चाय, क्योंकि मेरा मानना है सिंपल सी बात, जो दिन का पहला मील होता है ना वो हैवी होना चाहिए कितना भी हो जाए, बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद हम खाना खाते हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 hours का स्लीप होता है, उसके बाद हम हमारे पेट में कुछ जाते हैं, तो इट्स हैज़ टू बी हैवी फूड। नाश्ता करता हूँ मैं अभी, मस्त उतने दिन से ये सब मेरे साथ में था मुझे पता ही नहीं था। मैं जैसे अभी नाश्ता करते करते ये नोटिस किया, मेरे पास दो कप है ना, उसमें एक मैसेज है। सॉरी, होप द बिगनिंग इज ऑलवेज टूडे, तो ये शायद मैं मेरे ब्लॉग के स्टार्ट में भी डालने वाला हूँ, आपने देख लिया अगर डाला हुआ रहेगा तो। हमारे घर में ना एक ही इंसान है जो सबसे ज्यादा तोड़फोड़ करता है, वो है ये। अभी क्या तोड़ा दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ ए? एक कप इसका, वो किधर है, हैंडल का है, हैंडल ये रहा। सो तोड़ दी, डीमार्ट जाना पड़ेगा। मेरी गाड़ी की हालत देख लो, अभी साफ तो थोड़ा सोचा धुलवा ही लेता हूँ जाके आज, मतलब अभी नहीं पनवेल से वापस आने उसको धुलवा लूंगा, ये काफी गंदी हो गई है, ये अपने से साफ नहीं होने वाली। सो लेट्स मूव। हमेशा की तरह अपनी प्रथा पूरी कर ले, सैटरडे संडे जैसा कुछ काम निकल ही आता है जो, क्योंकि जहाँ मैं रहता वहाँ कुछ होता नहीं है, मुझे पनवेल ही जाना पड़ता था बिल्कुल। अरे यार ये बंदे ने कॉल करने बोला था बट टाइमर लगाया क्या, बराबर 10:30 को फोन किया भाई ने। जस्ट सेकंड, आई गॉट अ कॉल। हेलो हेलो हाँ, कौन? हाँ चक्की वाले, हाँ चक्की के लिए कंप्लेंट किया था आपने? हाँ किया था। क्या प्रॉब्लम है? अरे उसमें गेहूँ गिरता है पीछे की तरफ। अच्छा तो आपका किधर है? तलोजा MIDC पता है? हाँ उसके, हाँ बेल लगा के उधर ही है। आप कब तक आओगे? दोपहर के बाद ही आऊँगा। हाँ ठीक है चलेगा, क्योंकि मैं भी अभी बाहर जा रहा हूँ। मेरे को अभी कितना बजे, 10:30 हो रहा है ना, 12-1 बजे तक आ जाऊंगा मैं। हाँ ओके। सो मुझे लगा उस बंदे का कॉल है बट वो बंदे का कॉल नहीं था, वो तो कॉल फ्रॉम सम अंदर का बंदा जिसका मैंने कंप्लेंट किया था। मतलब बंदे का कंप्लेंट नहीं था, मेरे घर में आटा चक्की है प्रॉपरली, उसमें पीछे की साइड कुछ तो पार्ट है जहाँ पे गेहूँ बहुत गिरता है, और वो गेहूँ मतलब किसी काम में भी नहीं आता, क्योंकि नीचे भी नहीं आता है, उसको वापस यूज भी नहीं कर सकते, किसी व्यवस्था उधर ही पड़ा रहता है। वही इसके लिए फोन किया था, 2-1 महीने के ऊपर होगा कंप्लेंट किए हुए, वो आज उसका बात फोन आएगी, वही मैं आ रहा हूँ। बोला भाई ठीक है आ जाए थोड़ी देर में, अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ। भाई कहाँ जाना है डिसाइड कर ले। उसके अलावा मुझे निशा को हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि उसकी सर्दी है, ओपन गेट।
क्या बोली? कौन भगा रहा है? मैं नहीं, मैं भगा रहा हूँ भाई। क्या बात हो गई यार? लेट्स सी इनमें से कितने बंदे हैं जो पूरा 8 सेकंड होने तक वेट करेंगे। नोबडी। 5 4 3 2 1 जाओ। ले ले जाओ देवा। पार्किंग मिलना मुश्किल है। जाओ हम पार्किंग लगा के आते हैं। गाड़ी देखी कहाँ मिल रही? गाड़ी को पार्किंग लगा के आओ, देखी कहाँ मिलते हैं। जा तुम जा। दिस इज द क्लिनिक। अभी मैं बंद करता हूँ। आई विल मीट यू आफ्टरवर्ड्स। तो अपना हॉस्पिटल वाला तो काम हो गया है सर, बट एज एक्सपेक्टेड मेरा माइक का एडजस्टमेंट बराबर नहीं था, नहीं आया अभी। हम बट जब रुकता था या गाड़ी स्लो रहती थी देन आई यू कैन हेयर माई वॉइस क्लियरली। अदरवाइज रुक जा भाई, सामने से भी गाड़ी आ रही है। गाड़ी आ रही है, जरा बैंक में पैसे जमा करके आते उतरो। थैंक यू। हाँ तो गया था यहाँ पे डालने के लिए, बट अंदर जाने के बाद मेरे को मम्मी का अकाउंट नंबर याद नहीं आ रहा था, तो डिपॉजिट कैसा करूँगा। तो एक चीज़ अंदर मैंने नया देखा, सरासर बैंक का अपना खुद का अभी चेक डिपॉजिट मशीन भी आने लग गया। पहली चीज़ है, अगली बार भी कभी डिपॉजिट करना आ रहा था तो चेक कर लूँगा जरूर क्या होता है। सो हम लोग अभी वराड़ी मिसल करके आए हैं। यहाँ का मिसल पाव बहुत भारी है। तो मैं खाऊँगा मिसल पाव। मम्मी को यहाँ का वड़ा पाव अच्छा लगता है क्योंकि उसके साथ खाना मिलता है। जस्ट हैव दैट एंड उसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे। हियर कम्स, दिस इज माय मिसल पाव, मम्मी का वड़ा पाव और ये पाव भाजी। राइट ना इन फ्रंट ऑफ द डीमार्ट। पहले ही बोला था डीमार्ट जाना सिर्फ एक सामान लेने के लिए, बट मम्मी बोली, मैं पहले बोला मैं जाता हूँ लेके आता हूँ, फट से जाके लेके आऊँगा। बोले मैं भी आता हूँ। मैं बोला आप आओगी तो साथ में बिल मजबूत बनने वाला है, 1500-1600 मिल के बिल नहीं बनेगा। ठीक है चलो, ठीक है चल दो। अभी पैक करवा लेता हूँ, कैमरा निकाल देता हूँ, फिर मिल अंदर जाके। बोला था ना मैं अकेला जाता हूँ, कब की अभी तक शक्ल तक नहीं देखी। ऑलरेडी बास्केट में इतना सामान ले चुके, कब की शक्ल देखने जा रहे हैं ऊपर। तो मैं जैसे बताया डीमार्ट हम ये गए थे, इसका प्राइस हमको पड़ा 1039 रुपीज़। एक्चुअल में इसका कॉस्ट 69 रुपीज़ ही है, बट इसके साथ में ये सारी चीज़ें भी आ गई। जैसे बोला था ना डीमार्ट जाओ और 1000 रुपये 1500 के नीचे बिल बने हो ही नहीं सकता, उनका स्ट्रैटेजी ही वही है। और इसके अलावा डीमार्ट के बाजू में मैं गया था, थोड़ा बुक का स्टॉल लगे थे, सो आई परचेज दीज बुक्स। एक दो वो तो सब है बुक्स, बट ये दो मेरे को चाहिए थी मम्मी और निशा को देने के लिए। बहुत देखा मैंने हिंदी में, इसका नहीं मिल रहा था, फाइनली अभी जाके मिला, मैं बोला ले लेता हूँ। अभी क्या है, अभी बैठते बाकी सब इधर उधर है सब एक जगह करते, और थोड़ा दो तीन काम है मेरे को इम्पोर्टेंट है जो कि करता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो याद रहेगा मेरे घर में मैंने मशीन लिया हुआ था आटा पीसने का, तो इसमें कुछ तो इशू हो गया था इसलिए मैंने बुलाया था। एंड ये देखो दिख रहा है सारा गेहूँ बाहर पड़ा हुआ है, तो वही रिपेयर करने के लिए भी बुलाया था। अभी वही बंदे आए, रिपेयर हो जाए फिर अपन बैठते हैं अभी। सो इट्स नाउ 9:15 o'clock और मैं शाम को 3 बजे मेरा वीडियो एडिट करने के लिए बैठा था। मैंने सबसे पहले क्या किया कि मेरे जितने भी फाइल्स थे सब मैंने मेरे ओपन शॉट वाले एप्लीकेशन में लिया, बट जो मेरे मोबाइल्स के क्लिप्स थे और जो मेरे एक्शन कैमरा के क्लिप्स थे दोनों में ना मतलब कुछ साइज़ का डिफरेंस आ रहा था,
और वो आउटपुट में भी वैसे होता था, इसलिए मैं क्या किया कि मेरा जो मोबाइल के क्लिप्स थे जो मैंने कट पेस्ट करके मेरे उसमें लिए थे, वापस से मैंने सेम लोकेशन में से मतलब कट पेस्ट कर दिए। बट सीन कैसा हो रहा था कि वो मेरे को यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था, ना गैलरी में दिख रहा था ना किधर दिख रहा था। तो उसके बाद में फिर मैं अपना क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ मेरा गूगल जो फोटोज़ है उसका बैकअप हमेशा रहता है तो ऑन रहता है, तो वो बैकअप हो गए थे। वहाँ से फिर वो मैंने डाउनलोड किए, VN एडिटर में गया, वहाँ पे एडिट किया, उसको एक्सपोर्ट मारा और उसके बाद में फिर वापस ओपन शॉट में आके देखा तो वहाँ पे बराबर था। तो अभी वो जाके एडिट किया और ओपन शॉट तो मतलब दिमाग का दही कर लिया, हैंग हो गए के मतलब एक अगर मैं मतलब क्लिप्स में से कुछ कट के लिए प्लेस कर रहा हूँ ना, वो आराम से नहीं नहीं बोल के भी 10 सेकंड के लिए हैंग हो जाता था। अब फ्री वर्जन यूज़ करो इतना तो हो गई। चलो छोड़ो, मैं ये बोल रहा था ये वीडियो मेरा ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, सो आई डोंट स्ट्रेच इट मोर। आई होप आप लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया रहेगा, एंड जा रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक कर दो, एंड होप टू सी इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, राजू के ब्लॉग्स। ना बिल्कुल ध्यान नहीं दे, अभी देख के बिल्कुल भी नहीं। पापा किचन में मतलब क्यों देखेगा, देखेगा ही नहीं वो। बस भैया मतलब इंसान, सॉरी मतलब जानवर। पापा ने इसको इतना बिगाड़ के रखा है ना कि पूछो मत। एंटरटेनमेंट है हमारे घर का ये।